हेलो दोस्तों, स्वागत है रेल फैंस असम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ अबाउट कुछ कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन सर्विसेज के बारे में और टाइम टेबल ऑफ ट्रेन सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों, टाइम टेबल यानी चेंजेस हो चुका है, कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल चेंज हो चुका है। तो पहले कौन से टाइमिंग में चलता था, या मतलब अराइवल एंड डिपार्चर कौन से टाइमिंग में था, आप लोग देख सकते हैं। और अभी के जो टाइमिंग है, कुछ चेंजेस हुआ है। तो पहले का जो टाइमिंग्स था, तो उसके मुकाबले अभी दूसरा टाइमिंग हो गया है कुछ ट्रेनों का, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स। तो मैं वो सब इस वीडियो में मैं बोलूँगा। तो इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, एकदम एंड तक इस वीडियो में एंगेज रहे, ताकि आप लोग को मालूम चल सके अबाउट कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन सर्विस के बारे में, और जो कि टाइम टेबल चेंजेस हो चुका है जो जो ट्रेनों का, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में बोलूँगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, कुछ सोशल लिंक्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं पहले ही बोलना चाहूँगा जो कि चेंजेस ऑफ पब्लिक टाइम टेबल ऑफ सम ट्रेन सर्विसेज, कुछ ट्रेनों का जो कि पब्लिक टाइम टेबल है तो चेंज हो चुका है। तो उनमें से जो है ट्रेन नंबर 0591005910 जो कि लालगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाला ये ट्रेन है। तो लालगढ़ से जो छोड़ने का जो ऑन 27 में, यानी आज के इस दिन में 27 में शेड्यूल था, तो वो ट्रेन जो कि टाइमिंग चेंजेस हुआ है, कौन से स्टेशन में चेंजेस हुआ है, तो मैं आप लोग का नाम लेना चाहता हूँ। आप लोग स्क्रीन में भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो न्यू जलपाईगुड़ी 17:30 यानी 5:30 बजे जो कि अराइवल है, तो 10 मिनट का इसका हॉल्ट होगा। डिपार्चर 17:40 यानी 5:40 में इसका डिपार्चर होगा फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, फिर जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन। तो मैं आप लोग को अराइवल एंड टाइम डिपार्चर आप लोग खुद देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में। उसके बाद धूपगुड़ी में कब अराइवल एंड डिपार्चर है, ये न्यू अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग से तो आप लोग देख सकते हैं जो कि चेंजेस हुआ है। उसके बाद जो न्यू कोच बिहार, न्यू अलीपुर द्वार, देन कामाख्या, तो इन्हीं स्टेशन में जो कि लालगढ़ से चलने वाला जो कि अवध असम एक्सप्रेस जो है, ये लालगढ़ और डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाला, तो ये ट्रेन का कुछ स्टेशंस में जो मैंने नाम लिया अभी, तो चेंजेस हुआ है टाइमिंग्स। तो उसके बाद है 03248 आप राजेंद्र नगर से लेके कामाख्या के बीच में चलने वाला, जो कि 30 मई से जो चलने वाला है फ्रॉम राजेंद्र नगर। तो इसका जो इफेक्ट है, जो कि स्टेशंस है, न्यू माल जंक्शन, बिनागुड़ी, डलगांव, फिर हसीमारा, अलीपुरद्वार जंक्शन, तो ऐसे ही जो स्टॉपेजेस है, तो इन स्टॉपेजेस में टाइमिंग्स का जो चेंजेस है आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड नंबर में ट्रेन 09709 आप उदयपुर सिटी से लेके कामाख्या के बीच में चलने वाला, जो कि उदयपुर सिटी से 31 मई को छोड़ने वाला था ये जो ट्रेन जो छोड़ने वाला है, तो इसका टाइमिंग चेंजेस होगा। स्टेशन है डलगांव, फिर अलीपुरद्वार जंक्शन, फिर कोकराझार। फिर फोर्थ नंबर में जो ट्रेन है 02255 आप लोकमाया तिलक से लेके कामाख्या के बीच में चलने वाला, जो कि लोकमाया तिलक से जो इसका 1 जून से जो इसका शेड्यूल था इस ट्रेन का, तो इसका चेंजेस होगा इन स्टेशन में, हसीमारा, अलीपुरद्वार जंक्शन, तो इन दो स्टेशन में इसका चेंजेस होगा टाइमिंग्स। तो उसके बाद जो फिफ्थ नंबर में 09305 आप डॉक्टर अम्बेडकर नगर से लेके कामाख्या के बीच में चलने वाला, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इसका जो इफेक्ट होगा 27 मई से, यानी आज के इस दिन से, तो अलीपुरद्वार जंक्शन और कोकराझार में इसका चेंजेस होगा टाइमिंग्स का। फिर 03173 सियालदह से लेके अगरतला के बीच में चलने वाला, जो कि सियालदह से छोड़ने वाला है आज के इस दिन में 27, तो उसके बाद जो है सियालदह से लेके अगरतला, जैसे कि मैंने बोला आप लोग देख सकते हैं, न्यू कोच बिहार और कामाख्या, तो इन स्टेशन में टाइमिंग्स का चेंजेस होगा। और उसके बाद जो है 03175 आप सियालदह से लेके सिलचर के बीच में चलने वाला, जो कि सियालदह से इफेक्ट होगा 29 मई से जो इफेक्ट होगा सियालदह से, तो इसका टाइमिंग्स चेंजेस होगा, जो कि स्टेशन है न्यू कोच बिहार और कामाख्या सेम, तो इन्हीं स्टेशन में कुछ टाइमिंग्स का चेंजेस हुआ है, जो मैंने पर ट्रेन जो कि स्टॉपेजेस का मैंने नाम लिया, और उन्हीं स्टॉपेजेस में टाइमिंग्स का चेंजेस हुआ है। और उसके बाद जो है कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन सर्विसेज, तो कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन सर्विस के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के वजह से हुआ है, यानी इन व्यू ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रेन जो फॉलोइंग ट्रेन है जो कि मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, तो ये कैंसिल कर दिया गया है आज के इस दिन से 27 मई से लेकर 6 जून तक ये कैंसिल रहेगा। तो ये ट्रेन है 07682/81 अगरतला से लेके सबरूम, फिर सबरूम से लेके अगरतला,
तो ये जो ट्रेन है तो ये डेमो स्पेशल ट्रेन कैंसिल रहेगा। फिर अगरतला से सबरूम जो कि स्पेशल है, स्पेशल बेसिस में जो चला रहा था 07684 and 83 मतलब अगरतला सबरूम, फिर सबरूम से अगरतला, तो ये कैंसिल रहेगा। फिर अगरतला सबरूम जो कि 07690 फिर 89 सबरूम से लेके फिर अगरतला तक ये कैंसिल रहेगा ये ट्रेन। तो दोस्तों फिर धर्मानगर से लेके अगरतला और अगरतला से लेके धर्मानगर के बीच में जो स्पेशल ट्रेन चलता है तो वो भी कैंसिल्ड रहेगा 6 जून तक। तो आप लोग को मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यही है कुछ ट्रेन सर्विसेज जो कि कैंसिल्ड हो चुका है। और उसके बाद और एक है जो कि यश के वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो ये मालदा टाउन और बालूरघाट मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए खुद ट्रेन नंबर और जो कि कब से ये बंद होगा। तो आज के इस दिन से ये कैंसिल है 27 में से मालदा टाउन से लेके बालूरघाट के बीच में चलने वाला पैसेंजर स्पेशल ये कैंसिल्ड है। फिर बालूरघाट मालदा टाउन यानी अप एंड डाउन ट्रेन ये कैंसिल्ड है। 21N22 जो कि ट्रेन नंबर है लास्ट में, जो मैं आप लोग का डिजिट है मैं आप लोग को वही बोल रहा था, तो ये कैंसिल्ड है ये ट्रेन नंबर, तो ये ट्रेन कैंसिल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल लिंक्स है और कुछ वीडियोस का जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करना, आप लोग देख लीजिए। और एक नया चैनल पेज मैंने क्रिएट किया है तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।